वेलकम फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल बीच एम में। और सबसे पहले तो आप सभी से माफ़ी मांगना चाहूँगा कि आपको लास्ट दिनों की कोई भी अपडेट्स हम टाइम पर नहीं दे पाए। कुछ दिनों से पीलिया होने के कारण जॉन्डिस जिसे कहते हैं हो गया था, और इसी वजह से आपको कोई भी अपडेट हम टाइम पर नहीं दे पाए, तो उसके लिए सभी से माफ़ी चाहूँगा मैं। और आप सभी का धन्यवाद जो आप इस टाइम के बाद भी आप हमारे चैनल से जुड़े रहे। तो आइए देखते हैं जो लास्ट दिनों की जितनी भी ट्वीट आए थे, अपडेट आई थी, उसकी अपने इस वीडियो में चर्चा करेंगे। और अभी जो रिट लगी है वो किस चीज़ की लगी है, उसका क्या प्रभाव पड़ेगा, या जो चुनाव आयोग है उसे अनुमति मिलने की क्या संभावना है, तो उस सभी मैटर के बारे में भी डिस्कस करेंगे। और इसके बाद एक वीडियो और डाल रहा हूँ जिसको देखकर आप ये तो श्योर हो जाएंगे कि भर्ती रद्द नहीं होगी, ठीक है, तो वो वीडियो आप ज़रूर देखें। और इस वीडियो में देखिए कि ईसी का अभी क्या प्रोसीजर चल रहा है, और क्या जो ट्वीट हैं उनके क्या मायने हैं, उन ट्वीट को देखकर क्या लगता है, क्या पॉसिबिलिटीज़ बन सकती है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो अब जो आपको ट्वीट दिखाई दे रहा है वो 9 नवंबर का है, और इसमें पूछा गया है सर ईसी ने क्या जवाब दिया है। तो यहाँ पर इसका रिप्लाई इन्होंने दिया है कि ईसी चुप है, कि ईसी की तरफ से अभी कोई डिक्लेरेशन नहीं आया है, जो टेक्निकल हेल्पर और जो चारों पोस्ट हैं उनके लिए कोई भी इसके बारे में जवाब नहीं आया है उनकी तरफ से। जो चुनाव आयोग दिल्ली को जो रिक्वेस्ट भेजी गई थी परिणाम जारी करने के लिए, सीए का, स्टेनो का और टेक्निकल हेल्पर को ज्वाइनिंग देने के लिए, देखिए जो भी ट्वीट हैं वो सभी पोस्ट से रिगार्डिंग है, सीए, स्टेनो, जो आईए और टीएच है उन सभी के लिए हैं। तो आप किसी सिर्फ टेक्निकल हेल्पर के लिए ना समझें। आगे देखिए एनी अपडेट फ्रॉम ईसी कि कोई अपडेट है क्या, ये 9 तारीख का ही है, तो इसमें भी लिखा गया है कि नथिंग न्यू, कोई भी नई अपडेट तो अभी तक ईसी की तरफ से नहीं आई है। देखिए एक जवाब में ईसी ने यह भी पूछा था डिस्कॉम से कि आपको इतनी जल्दी क्यों है आखिर इन पोस्टिंग को लेकर, तो इसका भी रिप्लाई दे दिया गया था उस वक्त। आगे देखिए इसमें पूछा है राजकुमार, इन्होंने पूछा है सर आप कभी भी मेरा रिप्लाई नहीं देते, एक बार रिप्लाई सर, टेक्निकल हेल्पर की ज्वाइनिंग के लिए चुनाव आयोग ने साफ मना कर दिया क्या? तो इसका रिप्लाई इन्होंने दिया है साफ मना नहीं किया है, परंतु चुप्पी मना के बराबर ही है, ऐसा मैं अब मानता हूँ। इस ट्वीट से ये लग रहा है कि देखिए यहाँ पर इन्होंने कहा है कि साफ मना तो नहीं किया है, पर जो अनुमति के आसार हैं, अनुमति मिलने के, वो भी दिखाई नहीं दे रहे हैं, तो ऐसा ही लग रहा है कि मना करने के बराबर ही है, क्योंकि वो इस पर कोई भी अपना स्टेटमेंट नहीं दे रहे हैं इनकी पोस्टिंग से रिगार्डिंग या रिजल्ट से संबंधित, कोई भी उनका स्टेटस अभी नहीं आया है, कोई भी रिप्लाई नहीं आया है, तो ये एक तरह से ना के बराबर ही है, ऐसा इस ट्वीट में इन्होंने बताया है। आगे देखिए सर मुझे इतना बता दो कि नई सरकार आने पर उनसे भी अनुमति लेनी पड़ेगी या नहीं, प्लीज़ रिप्लाई, कि अगर नई सरकार आ जाती है जैसे कांग्रेस की आ गई, तो सबसे बड़ा डर तो स्टूडेंट को यही है कि अगर कांग्रेस आ गई तो वैकेंसी रद्द हो जाएगी या नहीं हो जाएगी, उसका जवाब अगली वीडियो में मिल जाएगा आपको और आप श्योर हो जाएं, निश्चिंत हो जाएं। तो यहाँ पर देखिए इसका रिप्लाई है नो, मतलब अगर नई सरकार आती भी है तो उसके बाद आपको अलग से अनुमति लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो हाई कोर्ट है उन्होंने इस पर कोई स्टे नहीं लगा रखा है वैकेंसी पर, और जो आपको अभी एक रिट का डाउट है कि रिट लगी हुई है, तो वो आप वीडियो के लास्ट तक ज़रूर देखें, उसमें आपका डाउट क्लियर हो जाएगा कि क्यों लगी है। आगे देखिए सर एक क्वेश्चन है कि जिन लोगों के डॉक्यूमेंट या सर्टिफिकेट बाकी हैं वो आफ्टर रिजल्ट अगर वो सिलेक्ट होते हैं तो ज्वाइनिंग पर दे सकते हैं, या उन्हें पहले जाकर सबमिट कराने होंगे, कि जिनके डॉक्यूमेंट हैं वो उनके बारे में पूछा है कि बाद में दे सकते हैं या पहले कराने होंगे। तो इसका रिप्लाई दिया है अंडर लीगल एग्जामिनेशन, कि जो भी एक प्रोसेस है डॉक्यूमेंट सर्टिफिकेट जमा करवाने का, उसके अंदर ही आप जमा करवा सकते हो, उसको फॉलो करते हुए, उसका अनुसरण करते हुए आपको जमा करवाने होंगे डॉक्यूमेंट्स की जो भी डेट होगी, और जो भी उसमें अगर प्रावधान होता है तो आप करवा सकते हो, ठीक है। तो इसमें ये बताया गया है, डॉक्यूमेंट से रिलेटेड बताया गया है, क्योंकि जैसे टेक्निकल हेल्पर का जैसे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो चुका है, और कुछ स्टूडेंट के एक आध डॉक्यूमेंट बाकी भी है, जैसे मूल निवास हो गया जिनका उन्होंने एफिडेविट दिया था, ठीक है, या जाति प्रमाण पत्र, कास्ट सर्टिफिकेट हो गया, तो उन्होंने एक बार एफिडेविट लगा रखा है वहाँ पर, तो उससे संबंधित है ये, और बाकी की पोस्ट के लिए भी है। आगे देखिए
यहाँ पर इन्होंने लिखा है कि दिल्ली इलेक्शन कमीशन जो ईसी दिल्ली है ने साफ मना कर दिया परमिशन देने के लिए, यदि नहीं तो कितने प्रतिशत उम्मीद कर सकते हैं ईसी से? सर रिप्लाई करना, हज़ारों बेरोज़गारों का सवाल है। तो इन्होंने लिखा है कि साफ मना नहीं किया है, तो ये पिछला ट्वीट के बराबर ही है कि कोई मना तो उन्होंने किया नहीं है पर परमिशन भी नहीं दे रहे, ये भी बहुत बड़ी बात है। आगे देखिए, सर ईसी ने फाइनली ना बोल दिया है क्या, नो बोल दिया है क्या? तो यहाँ पर लिखा है कि नो, इसका मतलब है कि चुनाव आयोग ने फाइनली ऐसा तो नहीं कहा है कि आपको अनुमति नहीं दी जाएगी, पर वो अनुमति दे भी नहीं रहे हैं। तो आगे देखिए और ट्वीट्स हैं कुछ कि सर रिट का फैसला डिस्कॉम के साथ होगा क्या, प्लीज़ रिप्लाई। ये 2 नवंबर का है। आगे लिखिए, उम्मीद तो यही है, कोई कारण भी नहीं है, हमारा लॉयर जवाब से संतुष्ट है। हमारे लॉयर के जवाब से संतुष्ट है, क्योंकि इन्होंने जो जवाब आगे रखा है हाई कोर्ट में, उसके संबंधित पूछा गया है कि रिट का फैसला है वो डिस्कॉम के साथ होगा, हमारे पक्ष में ही आएगा, जो रिट लगी है उसको नहीं माना जाएगा, क्या डिस्कॉम के हित में आएगा? तो ऐसा इन्होंने कहा है कि उम्मीद तो यही है। आगे देखिए, अब जो रिट का जो आपका डाउट है वो मैं आपको क्लियर करने जा रहा हूँ। यहाँ पर लिखा है, सर ये बता दीजिए कि टेक्निकल हेल्पर की पोस्टिंग ईसी की वजह से रुकी है या कोर्ट में रिट की वजह से, रिक्वेस्ट। आगे लिखा है, ये 4 नवंबर का ट्वीट है, कोर्ट में रिट की वजह से नहीं। तो इन्होंने इसका रिप्लाई दिया है कि जो ये पोस्टिंग है टेक्निकल हेल्पर की, या आप बाकी भी मान सकते हो, ठीक है, टेक्निकल हेल्पर की जो पोस्ट है, इनको जो जॉइनिंग है वो चुनाव आयोग की वजह से रुकी हुई है, या जो एक जोधपुर हाईकोर्ट में रिट लगी है उसकी वजह से रुकी है, और क्यों लगी रिट, लगी है रिट, किस क्या इसका आधार है, वो भी आगे आपको बताऊंगा मैं। तो इसका रिप्लाई इन्होंने दिया है कि कोर्ट में रिट की वजह से तो ये नहीं रुकी हुई है पोस्टिंग, क्योंकि स्टे तो है नहीं अभी वैकेंसी पर, तो जो अभी ये रुकी हुई है पोस्टिंग वो चुनाव आयोग से अनुमति नहीं मिलने के कारण लगी हुई है, क्योंकि आचार संहिता है, चुनाव भी चल रहे हैं और चुनाव प्रभावित होंगे, इसलिए भी हो सकता है अनुमति नहीं मिल रही है, तो अनुमति नहीं मिलने के कारण ऐसा हो रहा है। आगे देखिए, जोधपुर हाईकोर्ट का क्या मैटर है, सर स्टूडेंट को प्लीज़ रिप्लाई करके बताइए, हाईकोर्ट में भी रिट है क्या? तो यहाँ पर इन्होंने रिप्लाई दिया है कि रिप्लाई फ्रॉम डिस्कॉम साइड फर्निश्ड इन जोधपुर हाईकोर्ट टाइमली, नेक्स्ट डेट इन कोर्ट इज 14 नवंबर। तो यहाँ पर इन्होंने लिखा है कि डिस्कॉम की तरफ से जो भी रिप्लाई देना है, जवाब देना है हाई कोर्ट में, जोधपुर हाई कोर्ट में, वो टाइम पर दे रहे हैं हम, जो भी हाई कोर्ट हमसे पूछ रहा है वो हम प्रोवाइड करवा रहे हैं उनको, और जो अगली तारीख है वो 14 नवंबर है, जो कि कल थी, ठीक है दोस्तों, कल। तो ये इसका पीछे का है, 2 नवंबर का बता रहा हूँ मैं आपको। तो ये 14 नवंबर की तारीख को अगली सुनवाई होनी थी, और जो भी हाई कोर्ट ने इनसे जवाब मांगा था, जिसके बारे में स्पष्टीकरण मांगा था, वो टाइम पर दे दिए जा रहे हैं, इन्होंने ये स्टेट में हमें बताया है। देखिए दोस्तों, लग तो ऐसा ही रहा है कि भर्ती रद्द तो नहीं होगी, क्योंकि कोई कारण भी नहीं बनता है, और सबसे बड़ा प्लस पॉइंट ये है कि जो भी जयपुर हाई कोर्ट है, जोधपुर है, उनकी तरफ से कोई स्टे भी नहीं है। आगे देखिए, सर अनुमति नहीं मिली कोई बात नहीं, पर इतना बता दीजिए रिजल्ट डिक्लेयर करने में क्या प्रॉब्लम है, नियुक्ति चुनाव के बाद हो जाएगी। तो ये कह रहे हैं कि जो रिजल्ट डिक्लेयर नहीं हुआ है, जो सीए की पोस्ट है उसका रिजल्ट डिक्लेयर नहीं हुआ है, और लास्ट के वीडियोस में आपको ये बताया था मैंने कि जो सीए का जो रिजल्ट है, या जो बाकी की पोस्ट है जिनका भी रिजल्ट अभी बाकी है, तो उनका रिजल्ट तो बिल्कुल रेडी है डिस्कॉम की तरफ से, पर वो जारी करने की अनुमति नहीं है। तो आगे लिखा है कि परमिशन फॉर रिजल्ट डिक्लेरेशन ऑल्सो पेंडिंग विद ईसी, कि इसकी परमिशन भी ईसी के साथ अभी पेंडिंग है, ईसी से परमिशन लेनी पड़ेगी रिजल्ट को डिक्लेयर करने के लिए। आगे देखिए, कोर्ट में रिट क्यों लगी है, रिप्लाई ज़रूर भाई, ये देखिए भाई मान रहे हैं। आगे लिखा है कि फॉर नॉर्मलाइजेशन ऑफ रिजल्ट, तो यहाँ से आपका ये डाउट क्लियर हो रहा है कि जिन्होंने भी अभी रिट लगा रखी है जोधपुर हाई कोर्ट में, वो कह रहे हैं कि नॉर्मलाइजेशन कीजिए आप, क्योंकि 18 शिफ्टों में ये पेपर हुआ था, लगभग 6 दिन तक चला था शायद, तो
इतनी शिफ्टों में होने के कारण एक ही कट ऑफ क्यों जारी कर दी, आपने नॉर्मलाइजेशन क्यों नहीं किया, इसकी वजह से ये रिट लगाई गई है जिस पर सुनवाई भी चल रही है। तो आप निश्चित हो जाएं कि कोई भी रिट इस तरह की तो हाई कोर्ट में अभी लगी हुई नहीं है कि जिससे जिनमें यह कहा गया हुआ हो कि गड़बड़ी हुई है, वैकेंसी को रद्द करें आप, तो ये सिर्फ नॉर्मलाइजेशन के लिए लगी हुई है। आगे देखिए, सर जी जोधपुर हाई कोर्ट का क्या अपडेट रहा, प्लीज़ बता दो सर जी। तो इसमें आगे लिखा है, नेक्स्ट डेट ऑफ हियरिंग इज़ इन जैन 2019, 2019 जनवरी में अगली सुनवाई होनी है। नो स्टे ऑफ एनी काइंड, और किसी भी प्रकार का स्टे नहीं है, भर्ती पर रोक नहीं लगी है, पर रिट की जो सुनवाई है वो जनवरी में होगी और वो जोधपुर हाई कोर्ट में होगी। यहाँ पर लिखा है जोधपुर हाई कोर्ट में होगी, जनवरी 2019 में होगी और कोई स्टे भी नहीं है, 15 नवंबर का है ये। आगे देखिए, नेक्स्ट डेट ऑफ हियरिंग इन जोधपुर हाई कोर्ट इज़ इन, ये इन्होंने लास्ट ट्वीट था। तो आगे पूछा है कि क्या ये आईए और सीए के लिए है या टीएच के लिए है, तो इसका रिप्लाई उन्होंने दिया है कि ये टेक्निकल हेल्पर के लिए रिट लगी हुई है, टेक्निकल हेल्पर की वैकेंसी है उस पर जो रिट लगी है उसके लिए ये। आगे देखिए, टेक्निकल हेल्पर की इलेक्शन कमीशन से परमिशन की उम्मीद है क्या थोड़ा बहुत, ये पूछ रहे हैं कि अब क्या ऐसा हो सकता है कि परमिशन मिल जाए, क्योंकि चुनाव अभी बिल्कुल चरम सीमा पर है और सूचियां भी जारी कर दी गई है प्रत्याशियों की। तो यहाँ पर लिखा है मुझे तो नहीं है, तो ये कह रहे हैं अब कोई उम्मीद नहीं लग रही है कि रिजल्ट जारी किया जाएगा या जो पोस्टिंग दी जाएगी। आगे देखिए, सर जी स्टेनो इज ऑल्सो इन हियरिंग, कि स्टेनो की भी सुनवाई हो रही है क्या, कि जो जोधपुर हाईकोर्ट में रेट लगी है या, तो इनकी जो स्टेनो की पोस्ट है जो सभी डिस्कॉम में आई हुई है, तो क्या इसकी भी सुनवाई हो रही है। तो यहाँ पर रिप्लाई देख लीजिए नो, कि जो ये रिट है वो सिर्फ टेक्निकल हेल्पर से संबंधित है और सिर्फ नॉर्मलाइजेशन के लिए है, तो इसमें वैकेंसी को रद्द करने का या गड़बड़ी का कोई मैटर यहाँ पर नहीं कहा गया है, उन्होंने सिर्फ ये कहा है कि नॉर्मलाइजेशन करवाइए आप, तो इसकी रिट है। अगर हाईकोर्ट का देखते हैं इस पर क्या रिजल्ट रहता है, और जनवरी में इसकी सुनवाई होने वाली है। तो आगे देखिए, और एक वीडियो डाल रहा हूँ वो आप ज़रूर देखें, उससे आपका डाउट क्लियर हो जाएगा कि रद्द तो नहीं होगी। धन्यवाद सभी को चैनल से जुड़े रहने के लिए। ऑल द वेरी बेस्ट।